हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज की इस वीडियो में वी विल सॉल्व आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 3.3 एंड इट इज आवर लास्ट एक्सरसाइज। एंड बिफोर टू डू द एक्सरसाइज वी विल सॉल्व द एग्जाम्पल्स। तो देखते हैं किस तरीके से हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और देखते हैं किस तरीके से इनके सॉल्यूशन को हम इजिली फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपको गिवन है, लोकेट द पॉइंट्स। हमें ये सारे पॉइंट्स लोकेट करने हैं, तो थोड़ा इजी हो जाए इसके लिए मैंने पहले से ही अपने एक्सिस मैंने बना रखे हैं। ये है मेरा एक्स एक्सिस, ओके, ये है मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस। एंड सिमिलरली ये है मेरा वाई एक्सिस, अपवर्ड में पॉजिटिव वाई एक्सिस, डाउनवर्ड में नेगेटिव वाई एक्सिस। तो देखिए मैंने क्या देखा, इसके अंदर एक्स एक्सिस यानी एब्सिसा फर्स्ट नंबर पे लिखा होगा कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो सबसे बड़ा कौन सा है मेरा, 6 दिख रहा है मेरे को अपना एक्स कोऑर्डिनेट। तो मैंने उसी हिसाब से अपने ये लाइंस मैंने ड्रॉ कर ली। तो क्या कर लिया मैंने, 1। देखिए अब हम अपने कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करेंगे, तो इसको करने के लिए लेट्स चूज दी अनदर पेन। तो चलिए कौन सा पेन लेते हैं, अब हम एक डिफरेंट कलर लेते हैं, दैट इज ग्रीन ले लेते हैं। ओके नाउ लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट, आपको क्या गिवन है, 5,0। अब 5,0 यानी एक्स एक्सिस पे देखिए 5 ये रहा और एक्स एक्सिस पे 5 है और वाई कोऑर्डिनेट आपको 0 दे रखा है, तो आपका पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 5,0, इधर हम लिख देते हैं 5,0। आई होप आपको समझ में आया है कि हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट किस तरीके से हमने ड्रॉ किया है। यस, देन नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या गिवन है, 0,5। अब इसमें आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ 0 होता है, वाई एक्सिस पे होता है, और वाई पे क्या आपको गिवन है, वाई कोऑर्डिनेट आपको 5 गिवन है। तो ये हो गया आपका 5, दिख रहा है आपको, यस ये है आपका 5 और ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, 0,5। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको कोऑर्डिनेट गिवन है 2,5, 2 एक्स एक्सिस पे ये रहा एंड देन ये हमने ड्रॉ करा इस तरीके से, इधर से हम ऊपर ले गए और कहाँ आएगा 5, ये रहा, तो 2,5 आपका इधर ही आया, तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया 2,5। देन नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, 5,2, 5,2 कहाँ पे आएगा, ये रहा 5 और ये रहा 2, x एक्सिस पे है 2 एंड y एक्सिस, x एक्सिस पे है 5 और y एक्सिस पे है 2, तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट 5,2। एंड देन आपको क्या गिवन है नेक्स्ट कोऑर्डिनेट, -3,5, तो -3,5 कहाँ पड़ेगा, x आपका नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट, तो -3 आपका ये रहा और -3 से आप ऊपर चले, आपको कहाँ तक आना है, 5 तक आना है, तो ये हो गया आपका -3,5, तो ये आपने ड्रॉ कर दिया -3,5। देखिए मेरे को समझ में आ रहा है कि अब आपको कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करना भी आते हैं और कोऑर्डिनेट्स पता लगाने भी आते हैं, इसलिए मैं इस तरीके से आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। आपको कुछ नहीं देखना, एक्स यूनिट पर डिस्टेंस देखना, -3 दे रखा है तो -3 ये रहा, ओके एंड देन वाई एक्सिस पे क्या है आपको, 5 गिवन है, तो ये रहा आपका इतना डिस्टेंस और जहाँ पे भी ये पॉइंट मिलेगा -3,5 का वो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। देन -3,5 दोनों नेगेटिव है यानी हमारा क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में -3 ये रहा, -5 ये रहा, तो आप क्या कर देंगे, -3,5 एंड देन 5,-3 यानी x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो x है आपका 5 एंड y है आपका -3, तो कहाँ आ गया, यही आएगा आपका पॉइंट 5,-3, तो ये आपने लिख दिया 5,-3। और लास्ट आपको क्या गिवन है, 6,1, ये रहा आपका 6,1, तो 6,1 को हम क्या लिख देंगे,
6.1, 6 आपका येरा और 1 आपका येरा। तो ये देखिए 5.2 से जस्ट राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा इधर से आपका हो गया 6.1। आई होप हमने जो भी कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करे हैं वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 आपको गिवन है, प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर्स, यानी आपको ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आपको नंबर पॉइंट्स आपको दिखाने कहाँ, कार्टेशियन प्लेन पे, और जिसमें आपका स्केल क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट होना चाहिए आपका स्केल, यानी इस तरीके से जो हमारा नॉर्मल स्केल होता है 1, 2, 3, 4, इसी स्केल के ऊपर आपके ये कार्टेशियन एक्स प्लेन आपका बना होना चाहिए, और ये आपको कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। ये क्या है, जब एक्स की वैल्यू -3 है तो वाई की वैल्यू क्या है 7, तो इस कोऑर्डिनेट को आप किस तरीके से लिखेंगे, -3.7। सिमिलरली इसको आप क्या लिखेंगे, 0.-3.5, एंड देन इस थर्ड कॉलम को आप कैसे लिखेंगे, -1.-3, देन फोर्थ आपका है 4.4, एंड देन फिफ्थ कॉलम है आपका 2.-3। तो देखिए आपका ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है यानी -3.7 तो कहाँ लाए करेगा, -3 है यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और वाई आपका पॉजिटिव है तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में देखेंगे, -3 तो ये रहा। तो ये आप कर्सर को देखिए, ये इस तरीके से -3 कहाँ तक, टिल अप टू 7, तो आपका 7 कहाँ आएगा, इधर आएगा, तो ये आपका क्या हो गया पॉइंट, ये पॉइंट हो गया -3.7। देन आपको सेकंड पॉइंट क्या गिवन है, सेकंड कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 0.-3.5। तो देखिए 0 एक्स एक्सिस दे रखी, यानी वो वाई एक्सिस पे ही हमारा पॉइंट होगा, -3.5 है तो आपका कहाँ पड़ेगा ये पॉइंट, ये आपका पॉइंट इधर -3 और -4 के बीच में, तो ये आपका क्या पॉइंट हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया यस दिस वन, क्या हो गया 0.-3.5। देन थर्ड आपको पॉइंट क्या गिवन है, -1.3, तो -1 आपका ये रहा, एंड देन -3 तो कुछ इधर, तो ये वाला मैं पॉइंट इधर रब कर देता हूँ ताकि आपको इजी क्लियर हो जाए। तो देखिए -1.-3 आपका इधर आएगा ओके, और ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, -1.-3, एंड देन 4.4, तो 4.4 आपका आ जाएगा इधर। तो ये देखिए कितना इजी है ना ये एक्सरसाइज को सॉल्व करना, तो इसी तरीके से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। देन आपको गिवन है 2.-3, तो 2.-3 फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आपका पॉइंट हो गया 2.-3। आई होप आपको समझ में आया कि हमने किस तरीके से एग्जाम्पल 4 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3। तो देखिए 3.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है आपको, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, कौन से क्वाड्रेंट में और कौन से एक्सिस में ये जो पॉइंट्स आपको गिवन है, -2.4, 3.-1, -1.0, 1.2 एंड -3.5, ये लाइक करेंगे, और हमें क्या करना है, इनको कार्टेशियन प्लेन में हमें इन्हें दिखाना है। तो चलिए ये हमने कार्टेशियन प्लेन बना रखा है, बस हम देखिए -2.4, तो -2.4 कहाँ आएगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में, -2.4 यस दिस पॉइंट -2.4, देन 3.-1, तो 3 ये रहा -1 ये रहा, तो आपको क्या आ गया ये 3.-1, देन -1.0, तो आपका वाई एक्सिस 0 है तो इधर एक्स एक्सिस पे ही -1, तो इसको हम लिख लेते हैं -1.0,
कॉमा जीरो, आई होप आपको दिख रहा हो। एंड देन 1, 2, 1, 2 यानी 1 येरा एंड 2 येरा, तो आपका ये हो गया 1, 2। एंड देन -3, -5, तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है जिसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, वो आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट। तो -3 यानी -3 एक्स एक्सिस पे और ये रहा -5। तो जैसे ही आपने ये कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया उसके बाद आप लिख देंगे -3, -5 इज द आंसर। आई होप इस तरीके से आपको कुछ डायग्राम दिखेगा और ये सारे पॉइंट्स आपको लोकेट करने हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। देन क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये आपका सेम एग्जाम्पल 4 की तरह है। तो एग्जाम्पल 4 अभी हमने ऊपर समझ लिया है, जिस तरीके से हमने वो क्वेश्चन करा है उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, और आपको नीचे कमेंट सेक्शन बताना है कि आपसे ये सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। आई होप आपको समझ में आया हो कि हमने किस तरीके से इसको ड्रॉ कर रखा है। ये देखिए, जो ये एक मैं आपको बताया था, ये जो थर्ड कॉलम आपको गिवन है, ये आपका पॉइंट है 0, -1.25। तो ये जो -1.25 है कहाँ पड़ेगा, तो अगर ये मेरा -1 है तो y एक्सिस ना, x एक्सिस तो मेरी 0 है, तो 1.5 तो इधर पड़ेगा -1.5। तो ये जो 1.5 अगर इधर पड़ेगा ना, तो उससे भी बीच में, मतलब 0.5 और -1 के बीच में जो आंसर होगा ना, वो आपका होगा -1.25। तो कुछ इधर पड़ेगा ये 0.0, -1.25। तो इतना मैंने बता दिया, बाकी आप खुद करेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।